मजा आ जाएगा। जमीन जमीन जमीन। लेकिन उसके लिए सामान नहीं है। हैरी आप प्लीज बाजार जाकर सामान ले आइए। वही स्पेशल वाला लाना है ना? हाँ। मैं साइकिल से जाऊंगा, पैसे तो दे दो। ठीक है, ये लीजिए। वैसे साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जरा जल्दी आइएगा। हाँ। चलो उड़ो हवा में, उड़ जाओ उड़ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? देखो, रुक जाइए। अरे आइए मिस्टर नोहारा, कैसे हैं आप? आज हमारे घर में कुछ गड़बड़ हो गई। ये सब क्या है? ये सब खाली है, खाली। सब खाली? इनके घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है, इसलिए हमें यकीन नहीं हो रहा। हाँ। है ना? इसका मतलब यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ चोरी हुई है। 100 करोड़ की लॉटरी की टिकट। क्या 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 कहा? 100 करोड़ की लॉटरी की टिकट? हाँ, और कल उस लॉटरी का ड्रॉ निकलने वाला है ना? हाँ। ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? वही लॉटरी नाम जीतेगी। हाँ ऐसा हो सकता है। बड़ा अजीब है ये योशिरीन। इस इलाके में बहुत समय से चोरी हो रही है, इसलिए मैंने आपकी मदद के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट जो ऐसे काम करते हैं, है ना योशिरीन? तो क्या वो हमारे फिंगरप्रिंट्स भी लेने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। अभी आपका शुक्रिया। दोनों बेवकूफ हैं, समझ ही नहीं रहे क्या हुआ है। एक बात बोलूं, क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ? आपका घर है, कुछ भी कीजिए। आपका शुक्रिया। मिची ठीक से खड़े हो जाओ। योशिरीन, मिची ब्रेड के ऊपर क्या लगाते हैं? चीज। तुम्हें पिज्जा के ऊपर क्या अच्छा लगता है बताओ? चीज। अब बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। आज से पहले आप ऐसे लोगों से कभी नहीं मिले होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आजकल ये इलाका वाकई बहुत खतरनाक हो गया है। वैसे ये खबर पक्की है कि इस इलाके में बहुत समय से चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जरा आप भी ध्यान रखिएगा। अरे सर प्लीज अंदर आइए, यहाँ की हालत तो बहुत ही खराब है। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। सच कहा? हाँ, माफ कीजिएगा, दरअसल बात ये है कि घर से बाहर जाने से पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या पहनना है। ये सब मैंने ही किया है। आजकल क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे सामान खरीदना था। अरे साइकिल की चोरी का बहुत दुख है। आप सही कह रहे हैं, काश हमारी साइकिल वापस मिल जाए। उम्मीद तो है कि मिल जाएगी। डैड क्या अपनी साइकिल लॉक की थी? मैंने लॉक की थी या नहीं याद नहीं आ रहा है। क्या कहा आपने? मुझे पता था, आप दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है लॉक की थी या नहीं? लॉक की हुई साइकिल चोरी नहीं हो सकती है क्या? जा सकता है। वैसे अभी उसकी किश्तें चुकानी बाकी हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं किचन में जाकर देखती हूँ, जो कुछ भी है उसी से लंच बनाऊंगी। पता नहीं घर में क्या है। शिनचान बेटा जरा फोन उठाना। मुझसे नहीं होगा, अब ताकत नहीं है। अरे कितनी देर से फोन की घंटी बज रही है। हेलो, मित्सी नोहारा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बताइए, क्या बात है? हाँ? हाँ?
क्या बात है मिच्ची, किसका फोन था? हमारी साइकिल मिल गई है। म्यूनिसिपल ऑफिस से फोन आया था, तुमने गलती से किसी और के घर के सामने साइकिल पार्क कर दी थी और वहीं भूल गए थे। जिसका घर था उसने कंप्लेंट करके साइकिल उठवा ली और अब साइकिल वापस लेने के लिए 2,000 रुपए का फाइन देना होगा। मैंने तो थोड़ी देर के लिए पार्क की थी। कितना अच्छा हुआ ना हमारी साइकिल चोरी नहीं हुई डैड। अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है। आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे और डैड बिल पे करेंगे, क्यों बेटा? अरे वाह, हम बाहर खाना खाएंगे, बाहर खाना खाएंगे। समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसी अजीब सी बातें क्यों होती हैं। मैम को सामान वापस देना पड़ा। तुमने मुझे पिछले 30 सालों से परेशान कर रखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये लो, ये लो। अब बताओ मजा आ रहा है? ये लो, ये लो। इस लड़के ने फिर से बेकार का गेम शुरू कर दिया है। क्या तुमने मसाओ से ये तलवार उधार ली है? हाँ ली है। और तुमने अभी तक इसे वापस नहीं किया? मैं बस थोड़ी देर खेल कर वापस कर दूंगा। और इसे तुम लेकर कब आए थे, कुछ याद है? बताओ जरा। मुझे लगता है मैं उस वक्त काफी छोटा था, ठीक से याद नहीं। तुम तो अब भी छोटे हो बेटा। देखो बेटा, मांगी हुई चीजें वापस कर देनी चाहिए और यही हमारे खानदान की परंपरा है। लेकिन माँ, मैंने सुना है जब कोई आपको प्यार से गिफ्ट देता है तो उसे वापस करना अच्छी बात नहीं होती, बोलिए माँ। लेकिन उसने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। पर मसाओ मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे प्यार से ही ये गिफ्ट दिया होगा। जाओ इसे वापस कर दिया। मैं तो डर ही गया। तुम्हें डरना भी चाहिए। अभी तो उधार में लाई चीजें वापस नहीं करती। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, समझे? मैं सब चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ। देखो तुम्हारी सारी चीजें किस तरह इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, लेकिन मेरी चीजें देखो मैं कितना संभाल कर रखती हूँ। कुछ सीखो तुम। मैं फोन उठाता हूँ। मैं उठा लूंगी। अरे ओके, बहुत दिनों बाद फोन किया, क्या बात है? माफ करना मुझे अचानक इस तरह फोन करना पड़ा, पर क्या तुम मेरा बैग वापस कर सकती हो प्लीज? क्या मैम, क्या मैम, क्या मैम, जाओ जाओ यहाँ से। अरे मेरा पैर छोड़ो। ओके आंटी से बातें करना चाहता हूँ। ओके आंटी, आप मुझसे छोड़ो इसे, मिलने नहीं आएंगी। हाँ हाँ, मैं आज घर आऊंगी और तुम्हारी मम्मी को मैंने जो बैग उधार दिया है वो भी वापस ले जाऊंगी। क्या मैम को बैग दिया है? अरे तुम बार बार बैग वाली बात क्यों दोहरा रही हो? दे दूंगी ना। इसका मतलब कि मैम भी चीजें उधार लेती है। मुझे तो लगा था तुमने मुझे वो गिफ्ट कर दिया है इसीलिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तो कहा था कि कुछ दिनों के लिए चाहिए तो मुझे वापस कर दोगी, पर तुमने कभी वापस किया ही नहीं। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। और जब तुम यहाँ आओ तो वो जो स्कर्ट मैंने तुम्हें दी थी ना, वो भी वापस लेती आना। तुम भी सामान वापस नहीं करती हो। स्कर्ट? मैंने तुमसे एक चीज उधार ली और तुम भूल गई तुमने मुझसे वो स्कर्ट उधार लिया था। किस स्कर्ट की बात कर रही हो? अरे वही काले रंग वाली एम्ब्रॉयडरी वाली स्कर्ट। और कौन सी? देखो तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि वो स्कर्ट अब तुम्हें फिट नहीं होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, उधार की चीज है तो वापस कर दो, यही सही मैनर्स होते हैं, समझ गई? ओके ओके, मैं समझ गई, मैं उसे साथ ले आऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिनचैन, देखा तुमने, मॉम उधार की सारी चीजें वापस कर देती है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें वापस करनी है। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैंने उन चीजों की एक लिस्ट बना रखी है। मैम आपने इतनी सारी चीजें वापस नहीं की, एक बात बोलूं ये अच्छी बात नहीं है। क्या मैंने तुमसे इतना कुछ उधार लिया? हाँ सच में, मैं खुद भी देखकर चौंक गई थी। मतलब मैं बिल्कुल मॉम की तरह हूँ। तुम इस तरह का चेहरा बनाकर क्यों खड़े हो शिनचैन? मैं आज ही अपनी सारी चीजें वापस ले जाऊं। क्या? है, आपको आज ही ले जाना चाहिए, पता नहीं कल मॉम देने के लिए राजी होगी या नहीं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ गई। लेकिन देखो मुझे वो सब चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, सारी इधर उधर रखी हुई है, टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा तो ओके आंटी, जब तक आप इंतजार करती है आप आराम करना पसंद करेंगी या कोई गेम खेलना? लेकिन कौन सा गेम खेलना है? हम दोनों छुपन छुपाई खेल सकते हैं, आप जाकर छिप जाओ, मैं आपको ढूंढ।
थोड़ी देर सो जाती हूँ। कहाँ रखा है समझ में नहीं आ रहा। अरे यही तो रखी थी वो। इसे भी आज ही यहाँ आना था। ये लीजिए आंटी, मैंने आपके लिए गरम गरम मोमोज बनाए हैं। कितने भारी बैग्स हैं। इसने कितनी चीजें उधार ले रखी थी। मैंने तो सिर्फ एक चीज उधार ली थी, मम ने तो कितनी सारी चीजें उधार ली हुई थी। अब मैं भी मसाओ को वापस कर दूंगा। कितने भारी बैग्स हैं। अगर मैंने टैक्सी बुलाई तो बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ाऊं? नहीं थैंक यू, शाम हो गई है और इस टाइम तुम्हारे साथ कार में बैठना खतरे से खाली नहीं क्या है। क्या कह रही हो, क्या तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं रहा? हो अरे वाह, कितनी बढ़िया साइकिल है। क्या ये तुम्हारी साइकिल है? हाँ है। तू मुझे ये दे दो ना, मैं हमेशा से ऐसी साइकिल चलाना चाहती थी। ठीक है ले जाओ, पर जल्दी दे देना। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ध्यान से चलाना। मुझे पता है, फिर मिलते हैं। तो तुम मेरी साइकिल वापस करने कब आओगी? देखो पहले ही बहुत टाइम बीत चुका है, मुझे मेरी साइकिल वापस चाहिए। देखो इस साइकिल की बैटरी को मैंने चार्ज किया है, तो जैसे ही बैटरी खत्म हो जाएगी मैं साइकिल वापस कर दूंगी। हा? इस बात का क्या मतलब है? तो इसमें गलत क्या है, मैं ठीक कह रही हूँ। पर रुको आंटी, दोनों एक ही जैसी है, क्यों मानती है ना? नहीं, नहीं, हम एक जैसी नहीं है। मामा डैड छिप छिप कर क्या बातें कर रही है? ओके मैडम, आपको देने होंगे 750 रुपए। ठीक है देती हूँ। आप माफ कीजिए, मुझे कुछ कहना है। हा? क्या आप ये मैगजीन किसी दूसरे बैग में डाल देंगे प्लीज? इस बैग में खाने पीने की चीजें हैं ना। सॉरी आपको तकलीफ हुई, ये लीजिए आपके पैसे। 1000 में से 750 माइनस किए तो बच गए आपके 250 रुपए। अभी देता हूँ। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उस लड़के ने पैसे ट्रे में डाल दिए। ओ मिसेस नोहारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो आज आपकी शुरुआत इस स्टोर से हुई है। आपने ठीक समझा। क्या सुबह सुबह स्टोर जाने में कोई बुराई है? पता नहीं आजकल लोगों को हो क्या रहा है, मैं किसको बताऊं कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इंसान है बात करने के लिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सर, मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा ऐसी बात जी हाँ। समझ में नहीं आता लेकिन अचानक मुझे अजीब सा क्यों महसूस होने लगा है। जब तक हैरी आते हैं मैं टीवी देखकर इंतजार करती हूँ। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहती हैं अपने बच्चे को कामयाब बनाना तो सुनिए मेरी सलाह। आपको बनकर दिखाना है अच्छी माँ। एक पुराने जमाने की कहावत है, बच्चे अपने माता पिता को देखते हुए बड़े होते हैं। अगर आप हमेशा आलस करते हैं और यूं ही पड़े रहते हैं तो आपका बच्चा भी यूं ही पड़ा रहेगा आप ही की तरह। तो बच्चे की कामयाबी के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। तो अब हम कल मिलेंगे। ये सही कह रही है। तुम्हारे डैड आज फिर से लेट हो गए। पर अभी तो इतनी देर नहीं हुई है। अरे टाइम तो देखो 7 बज चुके हैं। आपके डैड से घर का काम करवाना है क्या? क्या कह रहे हो तुम, मैं कब उनसे काम करवाती हूँ बताओ। मैं तो बस उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लोग मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आपने कुछ कहा मैम? नहीं कुछ नहीं कहा, तुम अपना खाना खत्म करो। है जो उससे चबा चबा कर आराम से खाने को बोलती है। मैम को क्या हुआ? मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। आप थक गए होंगे है ना? आप मेरी एक बात सुनेंगे हैरी? पता है आज स्टोर के सेल्समैन ने क्या किया? अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए मैम। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे के सामने शिकायत करते रहते हैं तो आपका बच्चा भी यकीनन आप ही की तरह करेगा।
मैं? नहीं कुछ खास नहीं। तो ये बात है, मैं मुझे पानी चाहिए। तुम खुद जाकर ले लो बेटा। ओके। हैरी, आपको पता है आज स्टोर में क्या हुआ? अच्छा मैम, क्या मैं जूस ले लूं? हाँ बेटा ले लो, जाओ। पता है सेल्समैन ने, अच्छा मैम क्या मैं एक्शन कमिन वाला जूस पी सकता हूँ? हाँ हाँ पी लो, जाओ। तुम कुछ बता रही थी मुझसे? अरे कहाँ गया कहाँ गया मेरा एक्शन कमिन वाला जूस? कहाँ गया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? माफ करना, एक बार फिर से बता सकती हो? मैं दोबारा नहीं बता सकती। मैम मुझे मिल गया एक्शन कमिन का स्पेशल जूस। चलो अच्छा हुआ बेटा। एक बार चींटी के चप्पल चोरी हो गए, उसका शक हाथी पर हो गया। हाथी ने बहुत सफाई दी लेकिन चींटी मानी नहीं। उसने कहा तुम्हारे चप्पल मुझे कैसे आ सकते हैं? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? उसे लेकर अपने घर गया और अपने घर जाकर उसने सारे चप्पल दिखा दिए। अब हाथी वाले चुटकुले से आप बोर हो गए होंगे, मैं आपको दूसरा सुनाने जा रहा हूँ। ये वाला चुटकुला दादाजी सुनाया करते थे, मेरे ख्याल से दादी जी। तो मैं आपको चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक बार शेर और बंदर में दोस्ती हो गई। शेर ने कहा मुझे अपने खाने से बोरियत हो गई है, जरा केला तो खिलाओ। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। और उसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। शिनचैन कहानी खत्म हो गई। अब एक और कहानी पढ़ के सुनाइए डैड। मैंने कहा ना बहुत रात हो गई, सो जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि डैड मुझे एक और कहानी सुनाए। बिल्कुल नहीं। एक और कहानी की तो बात है मिट्सी, मगर शिनचैन तुम्हें एक वादा करना होगा कि ये कहानी आज की आखिरी कहानी होगी, ठीक है? ठीक है डैड। ये नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ एक कहानी, उससे ज्यादा नहीं। इस बात से वो राजा बहुत खुश हुआ और उसने सबसे कह दिया कि अरे सुनो मिट्सी, सो गई, लगता है कोई जरूरी बात नहीं थी। चलो सुबह बात कर लेंगे मिट्सी। वैसे सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो मिट्सी मुझे बताना चाहती थी। अगर आपकी जिंदगी में शरारत ना हो तो कुछ कमी है। जिंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकते, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन। है क्या छुपा जो तुम्हारा